बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। दुनिया की 500 इंतहाई बाअसर मुस्लिम शख्सियात और खिलाफत उस्मानिया की आखिरी निशानी समझे जाने वाले जदीद तुर्की में अहयाए दीन के मरकजी किरदार और आलम इस्लाम के मारूफ सूफी बुजुर्ग शेख महमूद आफंदी रहमहुल्ला भी 93 साल की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। सिलसिला नक्शबंदिया के सबसे बड़े बुजुर्ग शेख महमूद आफंदी रहमहुल्ला 23 जून 2022 को इस दार फानी से दार बका की तरफ लाखों मद्दाहों और अकीदतमंदों को सोगवार छोड़कर कूच कर गए हैं। शेख महमूद आफंदी रहमहुल्ला सन 1929 में पैदा हुए। ये वो वक्त था जब 3 बर्रे आजमों तक फैली खिलाफत उस्मानिया का पहली जंग अजीम के बाद खात्मा हो चुका था और तुर्की पर मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क जैसे सेकुलर शख्स का इक्तदार कायम हो चुका था। तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने शायर इस्लाम के खिलाफ बेपनाह पाबंदियाँ लगा दी थी। इन पाबंदियों में अरबी कुतब और दीनी उलूम पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई थी। इस जुल्मो जबर के माहौल में चंद उलमाए कराम ने छुप छुप कर दरख्तों के नीचे देहातों और गाँव में वहाँ के बच्चों को दीनी उलूम से सैराब करने का सिलसिला जारी रखा। जब ये लोग फौज को देखते तो फौरन खेती बाड़ी में मशगूल हो जाते ताकि किसी को शक भी न हो। ऐसे ही तालिब इल्मों में से एक शेख महमूद आफंदी रहमहुल्ला भी थे। यूं इन मुश्किल नामुमकिन और कठिन तरीन मराहल में तालीम के हसूल के बाद शेख आफंदी ने तालीम का यह सिलसिला अपने गांव में जारी रखा, मगर जल्द ही उनके दो खुलफा को शहीद कर दिया गया। इस तरह संगीन हालात के पेशे नज़र शेख आफंदी रहमहुल्ला ने गांव छोड़कर शहर की एक कदीम मस्जिद का रुख किया और तालीम और ताल्लुम का सिलसिला जारी रखा और ये सिलसिला मुसलसल 40 साल तक जारी रहा। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के निज़ाम हुकूमत में इस्लाम मुखालिफ उठाए गए इकदाम की बदौलत आलम यह था कि इब्तदाई 18 सालों में शेख आफंदी रहमहुल्ला के पीछे नमाज पढ़ने के लिए कोई एक शख्स भी तैयार नहीं था, मगर शेख आफंदी रहमहुल्ला ने हिम्मत नहीं हारी और तसव्वुफ और तज़किया नफ्स की मेहनत तसलसल के साथ जारी रखी। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता लोग शेख आफंदी रहमहुल्ला के पास आकर फैजयाब होने लगे। उस्ताद शेख महमूद आफंदी रहमहुल्ला हाफिज कुरान होने के साथ साथ दीनी उलूम पर भी जबरदस्त उबूर रखते थे। शेख आफंदी रहमहुल्ला ने दुनिया भर के लोगों खसूसन मुसलमानों के लिए बहुत सारे रिफाही और इस्लाही इदारे कायम किए। शेखुल इस्लाम इस्माइल आगा मस्जिद, जिसे सेकुलर तुर्की में अस्तबल में तब्दील कर दिया गया था, शेख आफंदी रहमहुल्ला ने इस जगह को खरीद कर वहाँ दोबारा मस्जिद तामीर कराई और अपनी तहरीक का आगाज किया। आज पूरे तुर्की में जहाँ ख्वातीन हिजाब में, मर्द बाशरा और मसाजिद मदारिस और खानकाही निज़ाम नजर आता है, इसमें बहुत बड़ा किरदार शेख महमूद आफंदी ही का है। आप रहमहुल्ला ने सिलसिला नक्शबंदिया की नहायत ही मुनज्जम जमात कायम की जो पूरे तुर्की में दीनी तालीम, खानकाही निज़ाम, मसाजिद व मदारिस और कुरान और हदीस की तालीम के हवाले से खिदमात सर अंजाम दे रही है। एक अंदाजे के मुताबिक इंतहाई मुनज्जम लोगों पर मुश्तमिल इनकी जमात तुर्की की कुल आबादी का तकरीबन 3% यानी 30 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। तुर्की के लिए 15वीं सदी के मुजद्दद के तौर पर जाने जाने वाले शेख महमूद आफंदी रहमहुल्ला को सन 1960 की बगावत और मुल्क में हंगामी हालत के बाद फौजी इंतजामिया ने उन्हें जिला वतनी की सजा दी, लेकिन उसकी नौबत नहीं आई क्योंकि शेख आफंदी रहमहुल्ला के कई जानिसार और इस्तंबोल के मुफ्ती सलाहुद्दीन कया उनके दिफा में मजबूती से सामने आ गए। इसी तरह 12 सितंबर सन 1982 को पेश आने वाली दूसरी बगावत से पहले और सन 80 की दहाई के अवायल में मुल्क में पैदा शुदा इंतशार के दौरान दाएं और बाएं बाजू की जमातों के दरमियान शेख आफंदी रहमहुल्ला मजबूती के साथ ये आवाज़ बुलंद करते रहे कि हमारा कौमी और मिल्ली फरीजा ये है कि हम नेकी का हुक्म दें और बुराई से रोकें, और हमारा फर्ज लोगों की जिंदगी को बख्शना है, उन्हें मारना नहीं। इसी तरह शेख आफंदी रहमहुल्ला फौज और सेकुलरिज्म के खिलाफ जद्दोजहद की भी रोशन तारीख रखते हैं। सन 2016 में तुर्की के मौजूदा सदर रजब तैयब उर्दगान के खिलाफ फौजी बगावत को नाकाम बनाने में बुनियादी किरदार शेख आफंदी रहमहुल्ला की इसी जमात ने अदा किया था, जब सबसे पहले इसी जमात से वाबस्ता अफराद सरों पर कफन बांधकर बगावत करने वाली फौज के सामने सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हो गए और फौजी बगावत को बुरी तरह नाकाम बनाया।
शेख आफंदी रहमहुल्ला सन 1954 से सन 1996 तक इस्तांबुल की जामे मस्जिद इस्माइल आगा के इमाम रहे और सन 1996 में इमाम की हैसियत से ही रिटायर हुए। उन्हें ये मनसब उनके शेखो मुर्शिद अली हैदर आफंदी रहमहुल्ला ने सन 1954 में सौंपा था। सन 1996 के बाद शेख महमूद अफंदी रहमहुल्ला ने तन्हाई में रहने की कोशिश की, लेकिन सिलसिला नक्शबंदिया में अंदरूनी झगड़ों के एक सिलसिले की वजह से उनके ताल्लुकात अवामी सतह पर आ गए और शेख अफंदी खुद को अवामुन्नास से ला ताल्लुक न कर सके। तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान शेख महमूद अफंदी रहमहुल्ला के साथ करीबी ताल्लुकात बरकरार रखने के हवाले से जाने जाते हैं। रजब तैयब उर्दगान ने सन 2014 में सदारती इंतखाब से एक रात कबल महमूद अफंदी रहमहुल्ला की खानगाह का इंतहाई मशहूर दौरा किया था। हजरत शेख महमूद अफंदी रहमहुल्ला की तसनीफात में सबसे बड़ी और बाबरकत तालीफ 18 जिल्दों पर मुश्तमल तुर्की जबान में तफसीर रूहुल फुरकान है। तुर्की में अहयाए दीन के मरकजी किरदार और लाखों लोगों की जिंदगियां बदलने वाले अजीम दाई और मुर्शिद कामिल के सानेहाए इर्तिहाल को मिल्लत इस्लामिया का नाकाबले तलाफी नुकसान करार दिया जाए तो हरगिज गलत ना होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शेख महमूद अफंदी रहमहुल्ला इन्फेक्शन के बायस गुज़िश्ता 2 हफ्तों से अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे, जहां इस अजीम शख्सियत का 23 जून सन 2022 को इंतकाल हो गया। शेख महमूद अफंदी रहमहुल्ला की नमाज जनाजा 24 जून सन 2022 को बाद नमाज जुमा इस्तांबुल की मशहूर जामे मस्जिद सुल्तान मोहम्मद फातेह में अदा कर दी गयी। नमाज जनाजा में अवाम का समंदर उमड़ आया और लोग सुबह सवेरे से ही नमाज जनाजा की अदायगी के लिए जामे मस्जिद सुल्तान मोहम्मद फातेह में जमा होना शुरू हो गए थे। शेख महमूद अफंदी रहमहुल्ला की नमाज जनाजा में तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान, हकूमती आला शख्सियात समेत दुनिया भर के मारूफ उलमाए कराम और लाखों लोगों ने शिरकत। सिलसिला नक्शबंदिया के सबसे बड़े बुजुर्ग और जदीद तुर्की में इस्लाम पसंदों का महवर समझे जाने वाले शेख महमूद अफंदी रहमहुल्ला लाखों लोगों को इस्लामी तालीमात की तरफ रागिब करने का सबब बने। अल्लाह पाक शेख महमूद अफंदी रहमहुल्ला की कामिल मगफिरत फरमाए और उनके फैज को दुनिया में जारी और सारी रखे। आमीन या रब्बल आलमीन।